hello friends this is shamshad here i hope you all will be fine welcome to my youtube channel our goal of this digital electronics lecture is to make digital electronics subject as one of the easiest subject for you so if you learned something from my channel then please like share and subscribe to my channel now we are moving towards the topic so let's start the today's topic hello everyone आज हम का हम लोगों का टॉपिक है क्लॉक ओके। तो हम लोगों ने इससे क्या डिफरेंस है।, तो है वो होता है कंट्रोल सिग्नल और कंट्रोल सिग्नल कितनी तरह का देखे थे दो तरह का एक इनेबल सिग्नल था और एक क्लॉक था ओके तो हम लोगों ने कहा था कि क्लॉक को हम लोग फर्दर जाकर आगे नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे इसीलिए आज हम लोग इस टॉपिक को डिटेल में देखेंगे कि क्लॉक क्या होता है और क्लॉक किस तरह से इनपुट में क्या करता है यानी कंट्रोल सिग्नल से सॉरी क्लॉक किस तरह से वर्क करता है कि फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट या लैच का आउटपुट चेंज कर जाता है क्लॉक हाई होने पे यानी आउटपुट चेंज करता है और क्लॉक लो होने पे क्या होता है आउटपुट चेंज नहीं करता बल्कि मेमोरी की तरह वर्क करता है फ्लिप फ्लॉप या लैच तो हम लोग देखते हैं क्लॉक होता है क्या तो क्लॉक क्या होता है एक टाइप का सिग्नल है बेसिकली जो कैसा चलता है लो से हाई या हाई से लो के फॉर्म में चलता है यानी लो टू हाई हाई टू लो सो so ऑन इस तरह से ये सिग्नल वैरी करता है और साथ में क्या है इसका ड्यूटी साइकिल 50 परसेंट होता है तो ड्यूटी साइकिल के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था कि मैं आगे चलकर बताऊंगा तो मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि बार बार ये टर्म आता रहेगा और आपको इरिटेट करता रहेगा कि वट इज ड्यूटी साइकिल ओके तो सिंपली ड्यूटी साइकिल को इस तरह से समझा जा सकता है कि अगर कोई सिग्नल इस फॉर्म में चल रहा है ओके हाई टू ड्रा कर रहा हूं तो यहां देख रहा हूं टाइम पीरियड होता है।, है, कि कोई भी जब एक करता है तो एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है और फ्रीक्वेंसी क्या होता है रिवर्स ऑफ टाइम पीरियड होता है मालूम ये चीज कि अगर मान लीजिए कोई सर्किट इस सिग्नल के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है यानी ये क्लॉक है और इस सिग्नल के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है तो अगर इस टाइम पीरियड को हम लोग घटा दें इस टाइम पीरियड को हम लोग घटा दें तो कैसा बन जाएगा क्लॉक देखिए तो ये इस क्लॉक यानी ऊपर वाले क्लॉक और नीचे वाले क्लॉक में क्या डिफरेंस है तो डिफरेंस ये है कि ऊपर वाले क्लॉक का टाइम पीरियड ज्यादा है और नीचे वाले क्लॉक का टाइम पीरियड क्या है वो कम हो गया तो अगर हम पूछें कि इसमें फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी ऊपर वाले का ज्यादा होगा कि नीचे वाले का तो हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होता है टाइम पीरियड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या अगर हम टाइम पीरियड को बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा घटेगा और अगर हम टाइम पीरियड को घटाएंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब क्या होगा हम पूछेंगे किसका फ्रीक्वेंसी हाई होगा तो इसका फ्रीक्वेंसी हाई होगा यानी इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा हाई होगा इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा लो होगा ठीक है तो अगर सर्किट इसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा तो सर्किट फास्ट काम करने लगेगा ठीक है क्योंकि जल्दी जल्दी आउटपुट सिग्नल हाई लो होगा और जल्दी जल्दी इनपुट क्या होगा चेंज करेगा तो आउटपुट क्या होगा तेजी से चेंज करेगा आउटपुट वेरिएशन तेजी से होगा और जबकि ये क्या हो जाएगा इसमें फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा तो आउटपुट जो होगा वो स्लोली चेंज करेगा ठीक है तो अगर किसी सर्किट को हमको फास्ट वर्क कराना होता है तो क्या करते हैं उसमें जो क्लॉक सिग्नल अप्लाई हो रहा है उसको क्या करते हैं उसके टाइम पीरियड को घटा देते हैं यानी उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं वो अपने आप तेज काम करने लगता है फास्ट काम करने लगता है तो ये समझ में आ गया आपको अब आते हैं ड्यूटी साइकिल के ऊपर तो ड्यूटी साइकिल क्या होता है तो ड्यूटी साइकिल किसी भी सिग्नल का हम निकाल सकते हैं तो मान लीजिए ये किस तरह का सिग्नल ड्रा किया जो इनेबल सिग्नल हम ने पहले हर बार लेक्चर में पढ़ रहा था वो भी ड्रा कर लेता हूं ठीक है ये है मान लीजिए सपोज ये एक दूसरा सिग्नल है और ये एक मेरा क्लॉक है ये क्लॉक है और ये मेरा एकबल सिग्नल है दोनों का ड्यूटी साइकिल हम लोग बारी बारी से बात करेंगे तो ड्यूटी साइकिल ये कहता है कि कितने देर के लिए कोई सिग्नल ऑन हुआ है ठीक है कितने देर के लिए कोई सिग्नल ऑन हुआ है और कितने देर के लिए कोई सिग्नल ऑफ हुआ है वो टाइम पीरियड पहले आप निकाल लीजिए ओके okay? और क्या कीजिए डिवाइड कीजिए किसको किससे रेशियो है ये क्या है ड्यूटी साइकिल क्या है रेशियो है किसका किसका रेशियो है तो टी ऑन यानी कितने देर के लिए आपका सिग्नल हाई हुआ टी ऑन का मतलब कितने देर के लिए सिग्नल आपका हाई हुआ और डिवाइड बाई टी ऑन प्लस टी ऑफ ऑन प्लस टी ऑफ का मतलब कितने देर के लिए टोटल किया यानी यहां से तक यहां पूरा ये हो जाएगा टी यानी टी t का मतलब हो यानी होने होने वाला time period, plus off होने वाला time period. दोनों को जोड़ देंगे तो जो हो जाएगा एक ठीक है तो यानी इससे हम क्या कह सकते हैं इसको लिख सकते हैं टी ऑन यानी ऑन होने का यानी सिग्नल कितनी देर ऑन रहा डिवाइड बाई टोटल टाइम टोटल टाइम ही ना है आपको टी ऑन प्लस टी ऑफ यही ना है ठीक है तो इस केस में हम बात करें तो ऑलमोस्ट मान के चलते हैं ऐसे मतलब ये एग्जैक्टली exactly नहीं दिया हुआ है कि ये कितना यहां से यहां तक कितना मतलब ये कितने देर के लिए ऑन है और ये कितना है हम मान लेते हैं ये है सपोज मान लेते हैं थ्री बाई फोर के बराबर है और ये तो ये कितना हो जाएगा कंप्लीट एक टी होता है तो थ्री बाई फोर अगर ये है तो ये हो जाएगा वन बाई फोर हो जाएगा सिंपली तभी तो ना टोटल वन होगा थ्री बाई फोर टी प्लस वन बाई फोर टी ये जोड़ेंगे तो जो कितना हो जाएगा टी हो जाएगा ठीक है तो हम क्या कह रहे हैं मान लेते हैं ये सेवेंटी फाइव परसेंट टाइम के लिए ये ऑन हुआ और ये ट्वेंटी फाइव परसेंट टाइम के लिए ऑफ हुआ तो इस केस में इसका ड्यूटी साइकिल कितना हो जाएगा थ्री बाई फोर टी ऑन डिवाइड बाई टोटल टी तो टी से टी कट जाएगा कितना थ्री बाई फोर मतलब कितना सेवेंटी फाइव परसेंट इसका ड्यूटी साइकिल इस फॉर्म में चलेगा ठीक है हम यहां इस सिग्नल का बात करें क्लॉक जो कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो ये क्लॉक क्या है यहां जितने देर के लिए क्लॉक ऑन होता है उतने ही देर के लिए क्लॉक ऑफ भी होता है ठीक है देखिए तो so, ये कितना है ये t बाई टू टाइम के लिए ऑन हुआ और t बाई टू टाइम के लिए ऑफ हुआ टोटल टाइम कितना है इसका t है तो हम बात करेंगे ड्यूटी साइकिल ऑफ ए क्लॉक कितना हो जाएगा ड्यूटी साइकिल फॉर अ क्लॉक कितना हो जाएगा इस तरह के क्लॉक के लिए तो ये कहेंगे t ऑन t ऑन कितने देर के लिए टी बाई टू टाइम के लिए ऑन है और डिवाइड बाई टोटल टाइम होता है टी ऑन प्लस टी ऑफ मतलब टोटल टाइम टोटल टाइम कितना है टी है इसका तो टी हो गया टी से टी कटी गया कितना बचा वन बाई टू मतलब कितना फिफ्टी परसेंट हो गया तो यही कहता है कि जब भी हम लोग क्लॉक देखेंगे तो क्लॉक के डिफिनेशन में यही कहा जाता है कि क्लॉक एक ऐसा सिग्नल है जो वैरी करता है हाई से लो लो से हाई के फॉर्म में वैरी करता है साथ में इसका ड्यूटी साइकिल कितना होता है फिफ्टी परसेंट होता है ठीक है इनेबल सिग्नल के बारे में क्या क्या कि इसका ड्यूटी साइकिल फिक्स नहीं होता है फिफ्टी परसेंट हो यह जरूरी नहीं है लेकिन इनेबल सिग्नल क्या होगा लेवल ट्रिगर के फॉर्म में भी चलेगा और क्या होगा ऑन ऑफ भी होगा लेकिन यह क्या है जब हम बात करेंगे latch, तो यह कहलाएगा पॉजिटिव एज क्योंकि लो से हाई हो रहा है जीरो से वन और यह कहलाएगा निगेटिव एज क्योंकि ये वन से जीरो हो रहा है इसीलिए तो ये हम लोग डिटेल में आगे देखते हैं सिर्फ समझना था ड्यूटी साइकिल क्या होता है ड्यूटी साइकिल समझ गए होप तो यही चीज यहां पे लिखा हुआ है कि क्लॉक सिग्नल क्या होता है या कैसा सिग्नल ये टाइप एक एक तरह का सिग्नल ही है जो क्या चलता किस फॉर्म में चलता है लो से हाई हाई से लो के फॉर्म में चलता है और इसका ड्यूटी साइकिल कितना होता है फिफ्टी परसेंट होता है तो हाई ये सिंपली दिखाई दे रहा है कि ये हाई है ये लेवल ट्रिगर हो गया और ये दोनों एज है इसलिए ये एज तो ये कहेंगे ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा लो से हाई लो से हाई तो इसको कहते हैं पॉजिटिव एज इसको कहते हैं पॉजिटिव एज या लीडिंग एज भी कहते हैं ठीक है दूसरा दो दो नाम इसका या तो हम इसको कह सकते हैं पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक या कहें लीडिंग एज ऑफ द क्लॉक ये क्या है वन से जीरो हो रहा है ये क्या था जीरो से वन हो रहा था जीरो से वन हो रहा था तो इसको हम लोग कहा लीडिंग एज जब क्लॉक वन से जीरो होगा तो इसको हम लोग कहेंगे लैगिंग एज इसको क्या कहेंगे लैगिंग या फॉलिंग एज ठीक है ये क्या कहलाएगा फॉलिंग एज और फॉलिंग एज या फिर इसको कह सकते हैं इसको पॉजिटिव एज कहा था इसको क्या कहेंगे निगेटिव एज इसको हम क्या कह सकते हैं निगेटिव एज कह सकते हैं तो क्लॉक में क्या क्या चीज आपको दिखाई दे रहा है क्लॉक में आपको लेवल ट्रिगर भी होगा और एज ट्रिगर भी होगा लेकिन एज कितनी बार होगा दो तरह का एज होगा एक को कहेंगे लीडिंग एज और एक को कहेंगे फॉलिंग एज लीडिंग एज को हम पॉजिटिव एज कह सकते हैं और लैगिंग एज को हम निगेटिव एज कह सकते हैं लीडिंग कहां से कहां होता है जीरो से वन होता है और लैगिंग कहां से कहां होता है फॉलिंग कह रहे हैं वन से जीरो होता है ये इतनी चीज क्लियर हो गई आपको आई होप क्लॉक में फ्रीक्वेंसी के बारे में हम लोग बात किया फ्रीक्वेंसी क्या होता है वन बाई टी होता है और इसमें क्या बताया था कि ये दोनों एक दूसरे का रिसिप्रोकल होता है कि अगर टाइम पीरियड बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसी घटता है और अगर टाइम पीरियड घटाते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ता है यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो क्या होगा वर्क फास्ट करेगा और अगर फ्रीक्वेंसी घटेगा तो क्या होगा वर्क स्लो करेगा सर्किट ठीक है आगे चलते हैं हम लोग ठीक है देखिए अब क्लॉक के अकॉर्डिंग हम लोग फ्लिप फ्लॉप का सिंबल बनाते हैं और वहां पे क्लॉक को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो सिंपली मान लीजिए ये एक फ्लिप फ्लॉप है जिसका नाम दिया जेके फ्लॉप हम लोग को आगे जाके पढ़ना है एस आर फ्लॉप जेके डी टी चार तरह का फ्लिप फ्लॉप पढ़ना है तो मैंने एक फ्लिप फ्लॉप बनाया है जेके ठीक है इसका इंटरनल सर्किटरी क्या होगा उसी तरह से जैसे हम लोग पढ़ा नैंड लैच नॉर्ड लैच के फॉर्म में पढ़ा उसका इंटरनल सर्किटरी हम लोग बाद में ड्रा करेंगे यहाँ पे लेकिन ये जो सिग्नल इनेबल सिग्नल यहां दिखाई दे रहा है ये इनेबल सिग्नल क्या हो रहा है ये इनेबल सिग्नल क्या है यहाँ पे इनेबल सिग्नल की जगह हम लोग क्लॉक सिग्नल अप्लाई किए ओके ये क्या है क्लॉक सिग्नल हम लोग अप्लाई किए हैं तो हम लोग देख लें कि ये क्लॉक कितनी तरह का हो सकता है कैसा कैसा हो सकता है इसके लिए हम लोग बात करें तो ये क्लॉक तीन तरह का मिल हो सकता है पहले तो इस क्लॉक को दो तरह से दो में क्लासिफाई करते हैं फिर दो में से फिर दूसरे को दो बारे में बात देते हैं मतलब कहने का मतलब क्लॉक पहला या तो लेवल ट्रिगर हो सकता है या फिर एज ट्रिगर हो सकता है जब लेवल ट्रिगर क्लॉक बात करेंगे हम लोग तो लेवल ट्रिगर कैसा होगा ये इस फॉर्म में जैसा हम लोग बात किए थे किसके बारे में इनेबल सिग्नल के बारे में ये यहां से यहां ये लेवल ट्रिगर हो जाएगा यानी अगर कोई सर्किट इस ड्यूरेशन में काम कर रहा है तो वो सर्किट कह रहा लेवल ट्रिगर सर्किट ठीक है लेवल ट्रिगर सर्किट और अगर एज के फॉर्म में काम कर रहा है इन द फॉर्म यानी कि अगर मान लीजिए क्लॉक यहां से यहां तक अगर हाई लो से हाई हो रहा है जीरो से वन हो रहा है और सर्किट वर्क कर रहा है तो वो कहलाएगा पॉजिटिव एज ट्रिगर सर्किट पॉजिटिव एज ट्रिगर सर्किट और अगर कोई सर्किट इस तरह से काम कर रहा है कि जब क्लॉक पल्स वन से जीरो हो रहा है यानी हाई से लो हो रहा है सर्किट वर्क कर रहा है तो ये सर्किट क्या लाएगा क्या निगेटिव एज ट्रिगर सर्किट ठीक है सर्किटेटिव एज ट्रिगर सर्किट तो हम लोग फ्लिप फ्लॉप में देखेंगे कैसे इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे अलग अलग क्लॉक को तो देखिए ये एक एसआर फ्लिप फ्लॉप है जिसका एस इनपुट इनपुट आर क्यू क्यू और Q बार ठीक इंटरनल सर्किट रही तो आप लोग देखा अभी हम लोग देखे थे लैच विथ कंप्लीट इनेबल सिग्नल जो हम लोग देखे थे वही इसके इंटरनल सर्किट में होगा खैर उसको हम लोग बाद में बात करेंगे यहां हम लोग बात करते हैं ये क्लॉक सिग्नल है क्लॉक सिग्नल में अगर इस तरह का शेप बना हुआ है देखिए इस तरह का ट्रायंगल फॉर्म में ठीक है तो इस तरह का फॉर्म अगर बना हुआ तो यह कहलाएगा एज ट्रिगर क्लॉक एज ट्रिगर साथ में ये क्या होगा पॉजिटिव की तो पॉजिटिव एज स्ट्रीगर कहलाएगा यह कहलाएगा पॉजिटिव एज ट्रिगर एसआर फ्लिप फ्लॉप जो वर्क करेगा कहां से कहां जब क्लॉक पल्स जीरो से वन होगा यानी लो से जब हाई होगा तब ये फ्लिप फ्लॉप वर्क करेगा ठीक है और इस फ्लिप फ्लॉप का नाम क्या होगा पॉजिटिव एज ट्रिगर एस आर फ्लिप फ्लॉप नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहां ये भी ये क्या है क्लॉक सिग्नल है लेकिन यहाँ क्या है ट्राइंगल के साथ एक सर्कल बना हुआ है यहाँ दिखाई दे रहा थोड़ा सर्कल और सर्कल जहां बना होता है वो क्या होता है नॉट गेट को रिप्रेजेंट करता है मैंने कई बार आपको बना के दिखाया था कि जैसे देखिए लॉजिक गेट में बताया था कि ये अगर नॉट नैंड गेट है सपोज सॉरी ये अगर आपका एंड गेट है ठीक है ये आपका एंड गेट है और यहां पे अगर एक सर्कल बना दिया बबल बना दिया तो यह बन जाता है नैंड क्यों क्योंकि एंड के साथ ये नॉट हो गया ये नॉट गेट को रिप्रेजेंट करता है ये बबल मालूम है तो ये नैंड बन जाता है उसी तरह से ये क्लॉक था पहले से तो पॉजिटिव अब इसमें नॉट लगा दिया तो ये निगेटिव बन गया तो ये कहलाएगा निगेटिव एज ट्रिगर एसआर फ्लॉप ये क्या बन जाएगा यहां देखेंगे कि पहले ट्रिगरिंग कैसा हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है कि निगेटिव हो रहा है अगर इस तरह का है तो कहेंगे निगेटिव स्ट्रीगर है और इस तरह का दिखाई दे तो कहेंगे पॉजिटिव स्ट्रीगर है तो क्लियरली आपको समझ में आ गया कि सर्किट में अगर कोई फ्लिप फ्लॉप बना हुआ है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन फ्लिप फ्लॉप का दिया हुआ है तो आप कैसे गेस करेंगे कि कौन सा सर्किट पॉजिटिव स्ट्रीगर क्लॉक से चल रहा है और कौन सा निगेटिव स्टीगर से आपको ड्रिवेन हो रहा है तो हम लोग देखेंगे अगर इस तरह का बना हुआ है तो कहेंगे पॉजिटिव स्ट्रीगर है ये और अगर इस तरह का बना हुआ है तो कहेंगे निगेटिव स्ट्रीगर है ओके okay? और अगर कुछ ना बना हुआ हो सिंपली ऐसे दिया हुआ तो ये इनेबल सिग्नल है लेवल ट्रिगर ओके ये क्या हो जाएगा इनेबल सिग्नल लेवल ट्रिगर यानी ये स्पीस यहां से यहां तक जब तक सिग्नल हाई रहेगा तब तक ये ऑन रहेगा ठीक है जब सिग्नल लो हो जाएगा तो ये ऑफ हो जाएगा जबकि ये किसके लिए ऑन होगा जब सिग्नल जीरो से वन होगा तब ये हाई तब ये सिग्नल जब, जब, जब ये सिग्नल जीरो से वन होगा तो ये क्या करेगा ये फ्लिप फ्लॉप ऑन हो जाएगा और ये आउटपुट चेंज करेगा और जब ये वन से जीरो होगा तब ये वाला वर्क करेगा ठीक है तो क्या ये वन से जीरो के लिए ये वर्क करेगा नहीं वन से जीरो क्या है स्टीगर ये होता है जीरो निगेटिव के लिए वर्क ही नहीं करता ये पॉजिटिव के लिए वर्क करता है तो जब जब क्लॉक पॉजिटिव आएगा यानी इसके बाद क्या होगा ये एक मान लीजिए ये क्लॉक प्लस बन गया फिर अगला फिर क्लॉक आएगा ना यहाँ पे इस तरह से ऐसे करके ये आएगा अगला तो यहाँ पे फिर पॉजिटिव एज कौन हो जाएगा ये वाला इसका पॉजिटिव हो जाएगा लीडिंग एज ये वाला तो फिर ये एक बार यहां से यहां तक के लिए ऑन हो जाएगा ये वाला फ्लिप फ्लॉप अगला कब ऑन होगा जब यहां पे क्लॉक पल्स पहुंचेगा यहां से यहां जब होगा तब ये नेक्स्ट टाइम ऑन होगा फिर नेक्स्ट टाइम कब ऑन होगा जब ये यहां से यहां हाई होगा ऑन so ऐसे चलता रहेगा तो ये हर पॉजिटिव एज पे ये फ्लिप फ्लॉप ऑन होगा और ये हर निगेटिव एज पे ये वाला फ्लिप फ्लॉप ऑन होगा तो आई होप आपको आज का क्लियरली समझ में आ गया होगा कि क्लॉक कैसे वर्क करता है क्लॉक का पॉजिटिव स्ट्रीगर और निगेटिव स्ट्रीगर में कैसे क्लॉक को क्लासिफाई करते हैं इनेबल सिग्नल लेवल ट्रिगर क्यों कहलाता है और ये लैच कैसे बनाता है ड्यूटी साइकिल क्या होता है ड्यूटी साइकिल कैसे वर्क करता है 50 परसेंट ड्यूटी साइकिल का मतलब क्या हो गया और हम लोग सारा चीज जो भी इसमें जरूरी था आज हम लोगों ने बेसिकली बात किया ठीक है अब हम लोग इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जो कि फ्लिप फ्लॉप के ऊपर होगा कंप्लीट हम लोग देखेंगे जो हम लोग फ्लिप फ्लॉप का ये सारा तो डिफिनेशन वगैरह पढ़ लिया कि फ्लिप फ्लॉप क्या होता है कैसे वर्क करता है कैसे ये लैच से डिफरेंट मतलब लैच और फ्लिप फ्लॉप में क्या डिफरेंस होता है तो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप तो कितने तरह का फ्लिप फ्लॉप पड़ेंगे एस आर डी टी तो ये सारा फ्लिप फ्लॉप हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे फिर उसके अंदर देखेंगे थ्रूट टेबल कैसा होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल कैसा होता है उसका एक्साइटेशन टेबल कैसे बनाते हैं सारी बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस